हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 75। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट ले लेते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH स्टेटमेंट ले लेते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 5 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ नंबर हमें प्रिंट करवाना है। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 1 नंबर प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2 के अंदर हमें 3 नंबर प्रिंट करवाना है, रो नंबर 3 के अंदर हमें 5 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 7 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं और रो नंबर 5 के अंदर हमें 9 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। यानी कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 9 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, और अगर हम एक नंबर को एक कॉलम के तौर पर ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम चाहिए। यानी कि इस पूरी पैटर्न को हमें 5x9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए, तो लेट अस से उसके लिए हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पर लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i++, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पर लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j++, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और जे वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब आई की वैल्यू 1 होगी उस वक्त जे का लूप टोटल 9 बार एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा। और अभी अभी हमने देखा कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 9 कॉलम से चाहिए, यानी कि ये 9 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हम हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाएंगे, जिसके लिए मैं एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूं कि स्लैश टाइम। अभी आई का लूप टोटल 5 बार एग्जीक्यूट होता है और वो हर एक बार जे के लूप को 9 बार एग्जीक्यूट करता है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जे का लूप टोटल 45 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 45 स्टार 5x9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करके देगा। नाउ लूप के अंदर जो दो वेरिएबल आई और जे का हमने यहाँ पे यूज किया है, वो दोनों वेरिएबल को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर आई एज वेल एज जे, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देता हूं। तो हमें 5x9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे, जो कि परफेक्टली सही, पर हमें पैटर्न के अंदर स्टार की जगह पे नंबर्स एज वेल एज स्पेस प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक आई की कुछ जे की वैल्यू के लिए हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो कुछ जे की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवाने हैं। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी जे की वैल्यू के लिए हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है और कौन सी जे की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवाने हैं। तो जब आई इक्वल्स टू 1 हो तब जे की वैल्यू 5 हो तब हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवाने हैं। आई की वैल्यू 2 हो उस वक्त जे की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 हो, एज वेल एज जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 6 हो, तब हमें नंबर प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। आई की वैल्यू 3 हो तब जे की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हो, एज वेल एज जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 7 हो, तब हमें नंबर प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। आई इज इक्वल्स टू 4 के लिए जे की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हो, एज वेल एज जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 8 हो, तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवाने हैं। आई इज इक्वल्स टू 5 के लिए जे की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो, एज वेल एज जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 9 हो, तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी फर्स्ट स्टेटमेंट को भी हम बाकी सारे स्टेटमेंट के जैसे लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जे की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 हो, एज वेल एज जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो, तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि इन पांचों स्टेटमेंट को अगर हम कॉमनली लिखना चाहें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स, एज वेल एज जे लेस देन और इक्वल्स टू वाई हो, तब हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो अभी हम फिर से एक बार आई के लिए एक्स और वाई की वैल्यू को
ध्यान से देखे तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 है। i is equals to 2 के लिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 है। i is equals to 3 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 है। i is equals to 4 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8 है। i is equals to 5 के लिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9 है। अभी हम i और x का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में 1 plus 5 हमें 6 देता है, सेकंड केस में 2 plus 4 हमें 6 देता है, थर्ड केस में 3 plus 3 हमें 6 देता है, फोर्थ केस में 4 plus 2 हमें 6 देता है एंड फिफ्थ केस में 5 plus 1 हमें 6 देता है। यानी कि हम कॉमनली लिखे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि i plus x is equals to 6, यानी कि x की वैल्यू 6 minus i हो सकती है। अभी हम y minus i करें तो फर्स्ट केस में 5 minus 1 4 देता है, सेकंड केस में 6 minus 2 4 देता है, थर्ड केस में 7 minus 3 4 देता है, फोर्थ केस में 8 minus 4 4 देता है, फिफ्थ केस में 9 minus 5 4 देता है। यानी कि हम कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि y minus i is equals to 4, एंड अगर हम y की वैल्यू को डिराइव करें तो y की वैल्यू 4 plus i हो सकती है। यानी कि अभी हमने आगे जो कंडीशन लिखी उस कंडीशन को हम फिर से लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि j greater than or equals to 6 minus i as well as j less than or equals to 4 plus i हो, तभी हमें नंबर्स को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवानी है। नाउ लूप के अंदर हमने दो फॉर लूप लिखे थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था एंड दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था, और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंट एफ स्टेटमेंट की मदद से हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 5x9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने कुछ कंडीशन आइडेंटिफाई की और अगर वो कंडीशन सही होती है तभी हमें नंबर्स को प्रिंट करवाना है। यानी कि ये कंडीशन को हम इफ ब्लॉक की कंडीशन के तौर पे लिख देते हैं और यहाँ पे जो हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को हम इफ ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं एज वेल एज एल्स ब्लॉक के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तब हमें यहाँ पे हमें जो दिख रही है उस पैटर्न के अंदर जहां पे नंबर से वहां पे स्टार प्रिंट होके मिलेगा, लेकिन हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं यानी कि इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को हमें चेंज करना पड़ेगा। अभी हम नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो सेकेंड रो के अंदर हमारा स्टार्टिंग 2 से होता है और 3 तक जाता है एंड फिर डिक्रीमेंट होता है यानी कि फिर से 2 होता है। थर्ड रो के अंदर 3 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 4, उसके बाद 5 एंड फिर डिक्रीमेंट होता है यानी कि 4 एंड 3। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हम लूप के अंदर एंटर होते हैं उस वक्त हम कोई एक वेरिएबल लेते हैं, लेट अस से के, जिसकी वैल्यू हम i यानी कि रो के बराबर रखते हैं और j की वैल्यू 5 तक हम उसके अंदर इंक्रीमेंट करते हैं एंड उसके बाद हम डिक्रीमेंट करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम k इज इक्वल्स टू i लिख देंगे और यहाँ पे हम k की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कि j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 हो तब हमें k की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना है यानी कि सिंपली k माइनस माइनस, अदरवाइज k प्लस प्लस एंड उसके बाद अगर हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न मिल सकती है। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और इफ की कंडीशन के तौर पर हमें रखना है कि जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस आई एज वेल एज j less than or equals to 4 plus i। उसके साथ साथ printf statement के अंदर हमें एक वैल्यू k को प्रिंट करवाना है एंड else block के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। एक बार k की वैल्यू प्रिंट हो जाए उसके बाद हमें चेक करना है कि j की वैल्यू
greater than or equals to 5 है, तो हमें k की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना है, अदरवाइज हमें k की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है. एंड k की इनिशियल वैल्यू हमेशा i से स्टार्ट होती है, यानी कि i के लूप के अंदर हम लिख देते हैं कि k is equals to i. एंड जो k नाम के वेरिएबल का हमने यहाँ पे यूज किया है उसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर k, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं. तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न 5 रोज के लिए प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है. यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 75 को 5 रोज के लिए इजीली प्रिंट करवा सकते हैं. सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी. आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.